आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, बहादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। बोधन टाउन पुलिस ने AIMIM पार्टी के 10 कारकुनों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने जुमे को एक प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर भारत राष्ट्र समिति के MLA शकील अहमद को कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन MIM लीडर का कहना है कि इन्होंने MLA को हलके में तरक्याती कामों के बारे में पूछने के लिए रोका। गिरफ्तार मुलजिमान में अल्ताफ, नवीद, अकील, रकीब, शीजान, ताहिर, इरफान, आशु, परवेज, नबील और चंद दिगर फरार है। शकील आमिर MLA बोधन हलके की शिकायत पर जमा कराई गई पहली इतलात के मुताबिक जुमे की दोपहर तकरीबन 2:30 बजे जब MLA अपने पार्टी कारकुनों के साथ बोधन म्यूनिसिपल इलाके वार्ड नंबर 17 आलियाबाद कॉलोनी में तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे। अल्ताफ और नवीद ने दूसरों के साथ जाती रंजिश रखकर MLA को जान से मारने के इरादे से रोका था। FIR में कहा गया है कि शिकायत कुनिंदा पुलिस और अवाम की मदद से वहां से फरार होने में कामयाब हो गए, वरना अल्ताफ और नवीद और इसके साथी इन्हें कत्ल कर देते। पेश है AA18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खसूसी रिपोर्ट। आवाज उठाने पर ये शुरू हो रहा है।